बात करते हैं गोंडा की विधानसभा सीट मेहनौन की, यानी कि सीट नंबर 295। अवध की सीट पर क्या गणित है, किसका दावा मजबूत है, वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। गोंडा की मेहनौन विधानसभा सीट, यानी कि विधानसभा की सीट का नंबर 295। 2012 में परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर पहला मुकाबला सपा और बसपा के बीच देखा गया, जिसमें सपा ने बाजी मार ली। वहीं 2017 में इस सीट पर भाजपा ने वापसी की और अब सबकी निगाहें 2022 के चुनाव पर हैं, क्योंकि यहां जातीय समीकरण अहम किरदार निभाने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम किरदार 80,000 ब्राह्मण वोटर हैं, जो यहां पर हार जीत तय करते हैं। तो सिंहासन की लड़ाई में मजबूत कौन है, अगर ये समझना है तो सबसे पहले पिछला रिजल्ट समझना होगा। यहाँ का सिंहासन वैसे तो 2012 में सपा ने जीता था, लेकिन 2017 में बड़ा उलटफेर हुआ और सपा लड़ाई से ही बाहर नजर आने लगी। 2017 में मेहनौन विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में करीब 59% वोटिंग हुई और इस चुनाव में भाजपा के विनय कुमार द्विवेदी ने जीत दर्ज की, जबकि बसपा के अरशद अली खान दूसरे नंबर पर रहे थे। 2012 में परिसीमन में बनी सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, हालांकि 22 के रण में तमाम दूसरे दल भी इस सीट से अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो सिंहासन की लड़ाई में गोंडा की सीट पर वैसे सपा का दावा मजबूत रहता था, लेकिन 2017 में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अवध की सीट पर पिछले 3 चुनाव में कैसा माहौल रहा, इसे समझाने के लिए आपको लखनऊ मेट्रो के भव्य नजारे पर आपको ले चलते और बताते इतिहास। 2012 में इस सीट से मुजैना के नाम से इसे जाना जाता था। 2007 में इस सीट से सपा की नंदिता शुक्ला ने बाजी मारी थी। 2012 विधानसभा चुनाव में परिसीमन के बाद मेहनौन सीट बनी तो सपा की नंदिता शुक्ला ही यहां से जीती। 2017 में भाजपा की लहर देखी गई और विनय कुमार द्विवेदी इस सीट से विधायक बने, तो ये इस सीट का सियासी और चुनावी इतिहास है। सिंहासन की लड़ाई वही जीतेगा जिसका चेहरा मजबूत होगा। मजबूत चेहरों की बात करें तो आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के भव्य नजारे पर ले चलते हैं और इस सीट के 3 बड़े चेहरे, मजबूत चेहरे हम आपको दिखाते हैं। तो ये हैं 4 बड़े चेहरे गोंडा के मेहनौन सीट के, जिस पर पार्टियों का भविष्य टिका है। पहला नाम है भाजपा के विनय कुमार द्विवेदी का, दूसरा नाम है सपा की नंदिता शुक्ला का, तीसरा है अरशद अली खान और इस सीट पर चौथा नाम है प्रतिभा सिंह का। ये वो चेहरे हैं जो अपनी पार्टियों के लिए मजबूती की वजह बनते हैं और जनाधार को अपने दल से जोड़ते हैं। चेहरे आपने देख लिए, लेकिन सिंहासन के लिए इतना दावा मजबूत इनका क्यों रहता है, इसे भी समझना जरूरी है। गोंडा की मेहनौन सीट के इन बड़े चेहरों के बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात भाजपा के विनय द्विवेदी की। विनय द्विवेदी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ से मौजूदा विधायक है सबसे बड़ी ताकत। इससे भी अच्छी बात यह है कि पार्टी के लिए क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा है, राजनीति बड़ी चल रही ब्राह्मणों की, हालांकि विकास कार्यों को लेकर दावा ठोकते रहते हैं। साथ ही एक वर्ग इन्हें इस वजह से भी पसंद करता है क्योंकि इनकी छवि हिंदूवादी नेता के तौर पर है। सिंहासन के लिए भाजपा का यहाँ बड़ा चेहरा है तो सपा के पास भी ऐसा ही चेहरा है जो बहुत मजबूत है। ये चेहरा है नंदिता शुक्ला का। नंदिता शुक्ला की मजबूती की बात करें, 3 बार वो इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। 2004 में इनके पति घनश्याम शुक्ला का सड़क हादसे में निधन हुआ था, तभी ये राजनीति में आई थी। नंदिता शुक्ला यहाँ के लिए सपा का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। नंदिता शुक्ला सपा के टिकट पर गोंडा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो ताकतवर चेहरा है और सपा भाजपा के चेहरे को आपने देख लिए। अब बात करते हैं बसपा के उस चेहरे की जो सिंहासन के बहुत नजदीक रहता है लेकिन सिंहासन पर बैठ नहीं पाता। ये चेहरा है अरशद अली खान का। अरशद अली खान की बात करें तो 2012 और 2017 के चुनाव में रन अप रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पैठ है। बसपा के होने के चलते दलित वोटर्स से भी इनका जुड़ाव है, अच्छी पकड़ है। वो दावे और वादे तो खूब करते हैं लेकिन जनता मौका नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मजबूत चेहरा ये है। यहाँ एक और बड़ा चेहरा है जिसका नाम है प्रतिभा सिंह। वैसे तो अभी तक इन्हें किसी बड़ी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन चर्चा है कि इस बार वो सपा में शामिल हो सकती हैं। इनकी मजबूती क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये राजनीतिक परिवार से आती हैं, राजनीतिक विरासत लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि 1985 और 89 में इनके ससुर बाबू रामपाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। बाद में उन्होंने पीस पार्टी ज्वाइन कर ली,
2012 में प्रतिभा सिंह ने पीएस पार्टी से चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोट हासिल किए। 2017 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाई। हालांकि बतौर निर्दलीय उस बार भी इन्हें बहुत अच्छे और सम्मानजनक वोट मिले थे। इस सीट पर सिंहासन की लड़ाई बेहद रोमांचक है, तो सीधे वरिष्ठ पत्रकार का हम रुख करते हैं। और सर, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके के फैक्टर्स इस सीट पर हैं, 2022 में क्या स्थिति आपको दिख रही है, क्या परिस्थिति दिख रही है? देखिए, 2022 का चुनाव इस सीट के लिए, महनौर के लिए बहुत ही रोचक। ये सीट ब्राह्मण बाहुल है, ये तो साफ है। और अभी जो ब्राह्मणों को लेकर एक चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण किससे नाराज है और किससे किसके साथ जा सकता है, तो अगर ब्राह्मण वास्तव में नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, जैसी अपोजिशन चर्चा करता है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि वहाँ एक मजबूत चेहरा ब्राह्मण नंदिता शुक्ला के बेटे के तौर पे या नंदिता शुक्ला के तौर पे वहाँ मौजूद है, तो उसका फायदा नंदिता शुक्ला या अगर नंदिता का बेटा सियासी बनता है तो फायदा मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पिछड़े दलित उस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली भूमिका में है, कुछ 3.25 लाख करीब वहाँ